with a given rate of simple interest. The ratio of principal and amount of for a certain period of time is 4:5. After 3 years, with the same rate of interest, the ratio of the principal and amount become 5:7. The rate of interest is. देखो क्या given अपने को. With a given rate of simple interest, the ratio of principal and amount for a certain period of time is 4:5. देखो, principal is to amount. पहली बार कितना है? 4:5. 4:5 का मतलब क्या है? 100:125. तीन साल में क्या होता है? द इंटरेस्ट ऑफ रेशियो क्या है प्रिंसिपल एंड अमाउंट का? 5:7. 5:7 का मतलब अगर ये 100 को मानूं मैं, ये 100 हो गया तो ये कितना हो गया? 140. दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ? 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिल गया? इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज फॉर 3 ईयर्स. 100 रुपए पे 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला? 15 रुपीज. ठीक है, 100 रुपए में 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला? 15 रुपीज. तो 3 साल का इंटरेस्ट 15 रुपीज. तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 5 रुपीज. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 5%. ऑप्शन 3. ऑप्शन नंबर 3.